यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डेड रूल सर्वाइवल। सो गाइस यार अभी हम जा रहे हैं अपने स्क्वाड के साथ भाई बेस में रेड करने के लिए। तो गाइस यार अपने पास काफ़ी सारे बम वगैरह मैंने क्राफ्टिंग पे लगाए रखे हैं। अपने पास गाइस यार चार बजूगा, काफ़ी सारे भाई सी फोर तो गाइस नहीं है अपने पास। रॉकेट सेल है गाइस 44 गाइस मैंने रॉकेट सेल क्राफ्टिंग पे लगाए रखे हैं। और गाइस अपने पास हैंडमेड है 50। सो देखते हैं गाइस हम इन सब से एक अच्छे से बेस को रेड कर सकते हैं कि नहीं। और गाइस मैंने काफ़ी सा एक ठीक ठाक सा एक बेस चुना है रेड करने के लिए, जो कि गाइस ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो गाइस यार अगर आप बहुत छोटी सी बेस में रेड कर दोगे तब तो फिर भाई आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और गाइस अगर आप कोई स्टोन का बेस या फिर जो बेस वुड का बना हो भाई ऐसे बेस में अगर आप रेड कर दोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है ज़्यादातर, तो ऐसा ही होता है। और गाइस यार अभी देखो हम जा रहे हैं भाई टाइटेनियम का आर्मर पहन के। और गाइस मैंने आर्मर को उधर उधर हाइड करके जा रहा हूँ क्योंकि गाइस काफ़ी सारे बंदे ऐसे होता है भाई टाइटेनियम का आर्मर देख के भाई डर के भाग जाते, अपने से भाई फाइट भी नहीं लेता है। सो ओके गाइस यार अभी हम फाइनली उस बेस के पास भाई पहुंच चुके हैं। तो गाइस यार आज हमको इसी बेस में रेड मारना है, तो देखते हैं गाइस आज हम इस बेस में रेड कर पाते हैं या फिर नहीं। तो गाइस यार देखो मेरे पास काफ़ी सारे 3D क्राफ्ट हो चुका है और भाई मेरा जो बैग है ये भाई लगभग भर चुका है। तो गाइस यार अभी मेरे को 3D को फेंकना पड़ेगा, लेकिन गाइस उससे पहले मैं अपने टीममेट को कुछ नेटल्स यानी कि गाइस क्लोथ दे रहा हूँ, और जो कि भाई उस वो मुझे बैंडेज वगैरह बना के दे क्योंकि गाइस अपना जो हेल्थ है ये भाई थोड़ा सा कम हो चुका है। लेकिन गाइस मैं बैंडेज नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जितने भी स्लॉट होता है क्राफ्टिंग के भाई मेरे सारे के सारे स्लॉट बिल्कुल भर चुका है, क्योंकि मैंने वहाँ पे लगाए रखे हैं भाई बम वगैरह क्राफ्टिंग पे लगाए रखे हैं इसीलिए। तो गाइस अभी मेरा जो टीममेट है ये मेरे को बैंडेज बना के दे चुका है और भाई मैं बैंडेज मार के अभी अपने हेल्थ को भाई पूरा फुल कर लेता हूँ। और गाइस यार इधर से देखो अपने टीममेट ने भाई पूरी सीढ़ी वीरी लगाए दे है इस बेस के ऊपर चढ़ने के लिए। तो गाइस हम भी ऊपर चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं भाई किधर से रेड करना सही होगा। तो गाइस देखते हैं इस बंदे ने क्या बना के रखा है। तो गाइस अंदर तो मेरे को एक स्लीपिंग बैग दिखाई दे रही है और गाइस साथ में एक जनरेटर भी है। और गाइस मेरे ख्याल से इस विंडो को हमको तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा सबसे पहले। सो गाइस यार अभी मैं सबसे पहले अपने बम वगैरह क्राफ्टिंग कर लेता हूँ। तो गाइस देखो बम को क्राफ्टिंग करने के लिए सिंपली बम को इस साइड पे स्लॉट कर दो और भाई सीढ़ी चला जाएगा नेक्स्ट साइड और बम आ जाएगा इस साइड। तो अभी गाइस अपने बम वगैरह क्राफ्टिंग हो रहे हैं, तब तक गाइस अपने पास जितने भी सीडी वगैरह है ये तो भाई फालतू सामान है, इनको गाइस मैं फेंक देता हूँ यहीं पे। तो गाइस आपका बैग जब भी भर जाए बस ऐसे सीडी को फेंक देना क्योंकि गाइस सीडी किसी काम का नहीं होता भाई। तो गाइस यार अभी शायद मेरे ख्याल से बम वगैरह मेरे पास क्राफ्ट हो चुका है कुछ, तो गाइस मैं यहाँ पे बम लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। और गाइस यार अभी देखो मैं अपने टीममेट को भाई हटने के लिए बोल रहा होता हूँ लेकिन भाई वो फिर भी भाई ज़्यादा दूर तक नहीं हटते और अभी देखो भाई क्या ही सीन हो जाता है यहाँ पे। तो गाइस यार यहाँ पे अपना एक टीममेट भाई नॉक हो जाता है, उसके बाद भाई फिनिश भी हो जाता है। तो भाई यार आप जब भी भाई स्क्वाड में खेलो डुओ में खेलो भाई जब मतलब भाई जो ही बंदा भाई बम लगा रहा होता है उससे भाई दूर ही रहना भाई सबसे पहले। तो और गाइस अभी देखो अपना भाई दोनों टीममेट भी नॉक हो चुका है। तो गाइस यार अभी मैं जल्दी से अपनी दोनों टीममेट को सबसे पहले रिवाइव कर देता हूँ, उसके बाद भाई हम हैंडमेड लगा के इस विंडो को तोड़ के अंदर चलते हैं। सो ओके गाइस यार अभी मैं अपने टीममेट को भाई रिवाइव दे चुका हूँ। तो गाइस यार अभी हम दोबारा से आके भाई यहाँ पे बम वगैरह लगाने स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस मैं भी भाई थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ कहीं भाई पता चले मैं खुद नॉक हो जाऊँ यहाँ पे। तो गाइस अभी देखो भाई मेरे टीममेट को भाई बहुत दूर जाके भाई बैठा हुआ है अभी। तो गाइस अभी इसमें और भी काफ़ी सारे बम वगैरह लगाना पड़ेगा हमें इसे तोड़ने के लिए। तो गाइस यार अभी मेरे ख्याल से इसमें और भाई दो तीन बम वगैरह लगाना पड़ेगा तब जाके भाई ये टूटने वाला है। तो कोई नहीं गाइस अभी मैं इसमें फिर से भाई दो बम लगा चुका हूँ और गाइस मैं एक बार में ही ज़्यादा बम नहीं लगा था क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा बम अपने पास बच जाए, यानी कि गाइस कम से कम बम पे ये रेड होना चाहिए बेस। तो इसलिए गाइस मैं थोड़ा थोड़ा करके ही बम लगाता हूँ। तो गाइस यार अभी अपना यहाँ पे एक विंडो जो है ये भाई टूट चुका है, तो अंदर चलते हैं गाइस चल के देखते हैं भाई क्या सीन है यहाँ पे। तो गाइस यार यहाँ पे तो भाई हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो गाइस अभी हमको इस वाले जो डोर है भाई इस डोर को हमें तोड़ना पड़ेगा।
तो चलो गाइस यार इसमें भी हम जल्दी से भाई बम बरा लगा देते। और गाइस आप रेड भाई जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी कर लो भाई, माना भाई कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है या फिर गाइस बेस का ऑनर भी ऑनलाइन आ सकता है। तो गाइस यार लगभग भाई ये डोर टूटने वाला है अभी, तो गाइस अभी मैं इसमें और भाई कुछ बम लगा देता हूँ। तो गाइस यार अभी ये डोर जो है ये भाई पूरी तरीके से टूट चुका है। अभी गाइस यहाँ पे एक हमको लार्ज चेस्ट देखने को मिल जाता है जो कि भाई अभी हम इसको तोड़ने वाले हैं। तो गाइस यार अभी देखो ऐसे हमको भाई काफ़ी अच्छे अच्छे वेपन्स वगैरह मिल जाता है। ऐसे गाइस हमको फ्लेयर गन मिल जाता है भाई, एमओ वगैरह मिल जाता है, और यहाँ पे मिनी 14 मिल चुका है हमको, और एयर गन शायद मिला है, एक शायद मिला है गाइस। तो गाइस अभी देखो इस तरफ का सीन कुछ ऐसा है, और गाइस अभी देखो अंदर में क्या है। तो गाइस यार अंदर का जो पार्ट है ये भाई पूरी तरीके से टाइटेनियम का है। तो गाइस यार अभी मुश्किल होने वाला है भाई इस बेस में रेड करना, क्योंकि भाई अंदर का पार्ट भाई पूरी तरीके से टाइटेनियम का है। सो देखते हैं गाइस, हम तो भाई हार नहीं मानने वाले हैं, तो हम भाई आखिरी दम तक हम भाई इस बेस में रेड करने के लिए कोशिश करने वाले हैं। तो गाइस अभी हमको इस वाले जो वाल है इस वाल को भाई तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। सो चलो गाइस यार अभी मैं यहाँ पे भी बम वगैरह लगा देता हूँ, और अभी देखो गाइस मैंने अपने टीममेट को भाई हटने के लिए भाई बोल रहा हूँ, भाई सुनता ही नहीं है भाई, और देखो भाई अभी नॉक हो चुका है। तो गाइस यार अभी मैं सबसे पहले तो अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ, उसके बाद भाई मैं बम वगैरह लगाना स्टार्ट करता हूँ। सो ओके गाइस यार अभी मैंने अपने टीममेट को भाई रिवाइव दे चुका हूँ, अभी गाइस मैं दोबारा से यहाँ पे बम वगैरह लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस यार यहाँ पे मैंने लगा दिया है 3-4 हैंडमेड, अभी देखते हैं गाइस ये टूटने तक वेट करते हैं। वैसे तो गाइस शायद 12-13 हैंडमेड से भाई एक आयरन का वॉल टूट जाता है। तो गाइस यार अभी देखो मैंने यहाँ पे बम तो लगा दिया, और अपने टीममेट को गाइस देखो बिल्कुल बम के मुंह के सामने भाई कैसे खड़ा हुआ है। और गाइस यार इसका लग अच्छा था कि भाई ये पूरी तरीके से मरा नहीं, ये बस भाई नॉक ही हो चुका है। भाई मैं भी भाई पूरे हैरान हो गया भाई, जहाँ पे इसको भाई मतलब पूरा फिनिश हो जाना था, लेकिन भाई वहाँ पे बस ये नॉक ही हो जाता है, फिनिश नहीं होता है। तो गाइस इसका हेल्थ आधा हेल्थ बचा है, सो अभी गाइस और 4-5 हैंडमेड लगाते ही भाई ये पूरी तरीके से टूट जाने वाला है। सो चलो गाइस यार इसको हम जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर गाइस अंदर चल के देखते हैं अंदर का सीन क्या है। सो गाइस यार इसमें बस एक और हैंडमेड लगाना पड़ेगा, फिर गाइस ये टूट जाएगा पूरी वॉल। तो गाइस अभी मैं इसमें एक हैंडमेड लगा दिया हूँ, और गाइस यार ये तो टूटा ही नहीं भाई, शायद एक हैंडमेड गाइस और लगा देते, अब तो भाई इसको टूटना ही है। तो गाइस यार अभी मैं लगा चुका हूँ, अभी देखते गाइस। सो ओके गाइस यार अभी ये टूट चुका है, लेकिन गाइस ये नीचे भाई क्या फंडा लगा हुआ है भाई, अपना टीममेट भाई पूरी तरीके से नीचे गिर के भाई फंस चुका है। और भाई यहाँ पे मैं अंदर जाने में थोड़ा बहुत डर रहा होता हूँ, और गाइस मैंने सबसे पहले अपने टीममेट को भेज दिया कि भाई अंदर कोई ऑटो कैनन है या नहीं चेक करने के लिए, फिर गाइस मैं आ जाता हूँ नीचे। तो गाइस यार अभी देखो नीचे अपना एक टीममेट भाई फंस चुका है, वो बाहर आने की ट्राई तो कर रहा है, बाद में गाइस वो इजीली बाहर आ जाएगा। और गाइस अंदर का जो टाइटेनियम वाला सेक्शन है वो भाई अभी आ चुका है, अभी गाइस हमको टाइटेनियम का तो तोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं गाइस हम टाइटेनियम के वॉल को तोड़ पाते हैं या नहीं। सो गाइस यार अभी हमको टाइटेनियम को तोड़ने के लिए अपने बजूका चाहिए होगा, तो गाइस यार मैं बजूका को क्राफ्टिंग पे लगा देता हूँ। अपने पास गाइस क्राफ्टिंग पे 4 बजूका है, या से गाइस मेरे को बस एक ही बजूका क्राफ्ट कर लेना है, उसके बाद भाई फिर से हमको सीधी क्राफ्टिंग पे लगा देना है। तो गाइस यार देखो हेलमेट से तो भाई टाइटेनियम वॉल को तोड़ना भाई इम्पॉसिबल है भाई, ज़िंदगी बीत जाएगी भाई फिर वॉल नहीं टूटने वाला है। तो देखते गाइस हम आज बजूका से तोड़ने वाले हैं, देखते। और गाइस अपने पास बजूका के सेल बस क्राफ्टिंग पे है 44 ही सेल है, देखते गाइस इससे कुछ होता हो भी पाएगा या नहीं भाई, मेरे को कुछ नहीं पता है। मुझे तो बस गाइस इतना पता है कि एक टाइटेनियम की वॉल को तोड़ने के लिए हमें गाइस C4 लगते हैं, 47 C4, लेकिन गाइस मेरे को बजूका के सेल के बारे में नहीं पता है कि भाई एक टाइटेनियम की वॉल को तोड़ने के लिए हमको कितने बजूका के सेल चाहिए होता है, ये तो भाई नहीं पता है, ये गाइस आज हमको पता चल जाएगा। सो देखते हैं गाइस। सो गाइस यार अभी मेरे बजूका जो है क्राफ्ट हो चुका है, और साथ में एक भाई बजूका की जो सेल होता है वो भी भाई क्राफ्ट हो चुका है। तो गाइस यार अभी मैं इस वॉल को तोड़ना स्टार्ट कर चुका हूँ, सो देखते हैं गाइस हम इस टाइटेनियम को वॉल को तोड़ पाते भी है या फिर नहीं। और गाइस यार बजूका के यहाँ पे ग्लिच के वजह से भाई मैं यहाँ पे नॉक हो चुका हूँ, और गाइस बजूका के साथ भाई बहुत ही ज़्यादा ग्लिच हो रहा है आजकल, तो मतलब भाई आप मारोगे ना तो भाई कभी कभी ऐसा होता है बजूका की जो सेल होता है वो भाई मतलब बजूका में भी फूट जाता है, फिर गाइस आप ऑटोमेटिकली नॉक हो जाते हो। और गाइस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है,
जिसके कारण भाई मैं नॉक हो चुका हूँ। और अभी देखो गाइस मेरा टीममेट भी नॉक हो चुका है। तो गाइस यार अभी मैं सबसे पहले अपने टीममेट को तो रिवाइव दे देता हूँ। और गाइस यार इस गेम की तो भाई क्या ही ग्लिच चलता है। देखो भाई अपना टीममेट भाई रिवाइव दे रहा है अपने दूसरे टीममेट को, और भाई मेरे यहाँ पे भी दिखा रहा है कि भाई मैं भी रिवाइव दे रहा हूँ। फिर गाइस मैंने कैंसिल कर दिया यार, इस गेम की भाई अलग ही ग्लिच चलता है। सो गाइस यार क्यों ना भाई नीचे चल के बजूका चलाया जाए, क्योंकि गाइस ऐसे चलाने से भाई बहुत ही ज़्यादा ग्लिच हो रहा है भाई, ग्लिच के कारण हम नॉक हो जा रहे हैं। तो गाइस ऐसे भाई काफ़ी अच्छा एंगल मिल रहा है चलाने के लिए। तो भाई देखो मेरे टीममेट भाई आ ही रहा होता है भाई, तुक्के से बच गया अपना टीममेट तो, वरना भाई बजूका की भाई सेल तो बस अपने टीममेट के ऊपर ही फूट जाता। तो कोई नहीं गाइस, अभी तो अपना टीममेट इस साइड में आ चुका है, और गाइस अभी मैं इसको फोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। और गाइस इस बेस का जो ओनर है यानी कि भाई बेस का बंदा भाई ऑनलाइन आ चुका है, उसका भाई कभी कभी फुटप्रिंट्स आ रहा है, कभी कभी भाई नहीं आ रहा है, यानी कि भाई ऑनलाइन तो आया है लेकिन भाई अपने सामने आने से भाई डर रहा है, क्योंकि हम भाई आ चुके हैं चार बंदे। तो भाई वो मेरे ख्याल से अकेले बंदा है इसीलिए गाइस डर रहा है। और अभी देखो गाइस अपना जो दूसरा टीममेट है, ये दोनों भाई वहाँ पे फंस चुका था। सो उसने बोला कि भाई मेरे ऊपर एक बजूका चला दो ताकि मैं नॉक हो जाऊँ, उसके बाद भाई वो बाहर आ जाएगा। लेकिन गाइस वो बाहर नहीं आ पाया था। सो गाइस अभी वो पता नहीं भाई वहाँ पे कैसे ग्लिच के कारण फंस चुका था। तो और गाइस अभी देखो अपना जो हेल्थ है ये भाई बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। तो भाई मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बैंडेज वगैरह मारने लग जाता हूँ अपना आर्मर वगैरह उतार के। सो गाइस यार आप जब भी भाई हीलिंग करो अपने भाई आर्मर को उतार के रख दो, उसके बाद भाई हील कर लो, इससे गाइस आपका कम बैंडेज वगैरह लगेगा हील होने में। तो गाइस यार अभी देखो अपना टीममेट यहाँ पे फंस चुका है, जहाँ से भाई वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि गाइस आगे की तरफ है एक स्टोन, इसीलिए गाइस वो बाहर नहीं आ पा रहा है। और गाइस दोनों में से तो भाई एक बंदा बाहर आ चुका है, लेकिन भाई एक बंदा भाई बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन भाई आ नहीं पा रहा है। सो गाइस यार देखो भाई टाइटेनियम के वॉल को भाई तोड़ते तोड़ते अपना भाई हालत ख़राब हो चुका है भाई, वॉल तो भाई टूटने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। ये टाइटेनियम भाई बहुत ही गलत चीज़ है यार, मतलब यार भाई अगर टाइटेनियम आया है तो भाई इसको तोड़ने के लिए एक बम भी ऐसा आना चाहिए जो कि भाई टाइटेनियम को इजीली तोड़ सकते हैं। जैसा कि गाइस हम स्टील को तोड़ने के लिए C4 का यूज़ करते हैं, आयरन को तोड़ने के लिए हैंडमेड का यूज़ करते हैं, और वुड एंड स्टोन को तोड़ने के लिए भाई सिंपल ऑयल ड्रम बम को यूज़ करते हैं। तो गाइस यार ऐसा ही एक बम आना चाहिए जो कि भाई हो टाइटेनियम को तोड़ने के लिए, लेकिन गाइस ऐसा अभी तक नहीं आया है। मेरे ख्याल से गाइस आएगा भाई, काफ़ी जल्दी आएगा ऐसा चीज़, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आएगा। तो गाइस यार अभी ज़रा आप इस पार्ट को दोबारा से देखो, देखो भाई मैंने बजूका चलाई है कहाँ पे, और देखो भाई हम नॉक कहाँ पे हो गए। तो गाइस यार बजूका की भाई ये वाला ग्लिच भाई मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए भाई, मतलब भाई बजूका हम चला रहे सामने की तरफ कितनी दूर में और भाई हम नॉक हो जा रहे यहीं पर। तो गाइस यार अभी अपना टीममेट जो है वहाँ पे फंसा हुआ था भाई, अभी हम उसी के पास आ चुके हैं रिवाइव लेने के लिए। तो गाइस यार मेरे सारे के सारे टीममेट यानी कि भाई अपने तीनों लोग भाई वहीं पे थे जहाँ से मैं बजूका चला रहा था। तो गाइस यार मेरे साथ साथ वो दोनों भी भाई नॉक हो चुके हैं। तो गाइस यार अभी देखो मेरा टीममेट जो है वो तो भाई रिवाइव हो चुका है, लेकिन गाइस यहाँ पे मेरे साथ देखो भाई क्या ही ग्लिच चल रहा है। देखो भाई मेरा कैरेक्टर कैसे हिले जा रहे हैं। तो गाइस यार पता नहीं मैं कैसे भाई यहाँ पे रिवाइव हो गया, शायद मेरे टीममेट भाई किसी तरह से मेरे को रिवाइव कर दिया होगा। सो गाइस यार अभी देखो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और गाइस मेरे ख्याल से गाइस अपने पास बैंडेज वगैरह है थोड़ी सी, तो गाइस मैं इनको ही लगा के जितना हो सके उतना भाई अपना हेल्थ को बढ़ा लेता हूँ। तो गाइस यार अभी देखो क्या ही ग्लिच था, मैंने जब भाई बजूगा अपने बैग से भाई बाहर निकाला उससे भाई धुआं निकल रहा था। तो गाइस अभी मैं दोबारा से इस वॉल को तोड़ने में लग चुका हूँ। तो ओके गाइस यार अभी मैं आ चुका हूँ भाई दूसरी साइड में। सो गाइस इस साइड से भी भाई थोड़ा बहुत डैमेज कर देते हैं वॉल को। तो गाइस यार अभी देखते गाइस इस साइड से भी भाई ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है शूट करने में यानी कि वॉल को तोड़ने में। और गाइस यार अभी देखो यहाँ पे अपना टीममेट जो है ये भाई नॉक हो जाता है। तो गाइस यार कोई नहीं गाइस वहाँ पे अपना एक दूसरा टीममेट है उस साइड में, वो गाइस अपने टीममेट को रिवाइव दे देगा। तो गाइस यार अभी देखो अपने साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि भाई हमने किसी ने भी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मतलब कि यार गाइस अभी देखो मेरा जो कैरेक्टर है ये अपने बजूका को भाई रिलोड नहीं कर रहा है। तो भाई आप समझ जाओ भाई क्या हुआ है, भाई अपने पास जितने भी रॉकेट सेल था भाई पूरे ख़त्म हो चुका है गाइस, यानी कि गाइस अपने पास अभी और कोई भी रॉकेट सेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो गाइस यार अपने से एक टाइटेनियम के वॉल भी नहीं टूट पाया है,
और गाइस यार अभी देखो अपने पास बस कुछ हैंडमेड बम वगैरह है, जो कि गाइस यार इस टाइटेनियम की वॉल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता है। तो गाइस यार आज मुझे पता चला भाई टाइटेनियम भाई कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है। तो गाइस यार टाइटेनियम तो भाई बहुत ही ज्यादा गलत चीज है गाइस, ऐसा ही भाई चलता रहा तब तो फिर भाई हम पूरा पागल ही हो जाएंगे भाई। इतना ज्यादा फार्म किए थे हमने, मतलब गाइस हमने पूरे 2 लार्ज चेस्ट सल्फर, पूरे भाई 2 लार्ज चेस्ट से सल्फर भाई, सल्फर से जितना भी भाई रॉकेट सेल बनता है सारे के सारे भाई ले आए हम यहाँ पे। और भाई 2 लार्ज चेस्ट सल्फर फार्म करना कोई भाई उतना आसान काम भी नहीं होता है। तो गाइस यार अभी तो देख रहा हूँ भाई टाइटेनियम की वॉल को भाई तोड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और गाइस यार देखो इतने में तो भाई एक अच्छा सा स्टील का बेस भी भाई रेड हो जाता, मतलब कि यार गाइस पहले जहाँ पे बड़े बड़े बेस को रेड करने में भाई जितना बम लगता था उतने बम से भाई आज बस एक टाइटेनियम का वॉल ही टूटता है। तो भाई यार ये तो भाई बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो गया है अभी अपने साथ। और गाइस यार अभी देखो जो बेस का ऑनर है भाई वो बंदा भाई अभी आ चुका है ऑनलाइन, तो भाई वो तो भाई अभी हमसे फाइट लेने की कोशिश कर रहा है। और गाइस यार अभी देखो अपने सारे के सारे टीममेट का मूड भाई ऑफ हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि भाई अपने साथ भाई बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो चुका है अभी। और फिर गाइस वहाँ पे जो एनिमी था वो भाई मेरे को मार देता है, पता नहीं गाइस किधर से आके भाई किधर मार देता है। और गाइस हम उससे फाइट करने की कोशिश भी नहीं की थी क्योंकि गाइस यार वैसे भी हम वहाँ पे फंस चुके थे, वहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते थे। मतलब अगर भाई बेस को अगर रेड हो जाता तब भाई हम बाहर निकल सकते थे, लेकिन भाई बेस तो रेड नहीं हो पाया तब फिर भाई हम वैसे भी वहाँ पे फंस चुके थे। तो गाइस इसीलिए हम खुद की मर्जी से भाई एनिमी के सामने गए और भाई सारे के सारे बंदे मर गए ऐसे करके। सो ओके गाइस यार आज के वीडियो पे इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना।